बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टार्ट अट 1040 थर्ड लेसन स्टार्ट इट। लेसन 3। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग द पैसिव वॉइस व्हिच इज अल फ़ेलुल मबनी यू लिल मजहूल। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द पैसिव वॉइस इन इंग्लिश। द सोल्जर किल्ड द स्पाई, द स्पाई वाज किल्ड। The subject is omitted and the object takes over the place of the subject. Let us see how to express the same idea in Arabic. For example, an active voice which is al maf'ulul mabniyu lil ma'lumi. Al fi'lul mabni. Al fi'lul mabniyu lil ma'lumi. Qatalal jundiyu jasusa. So the subject killed the spy. Whereas in the passive voice, which is al-fi'lul mabniyu lil-majhuri, is qutil al-jasusu. So here the spy was killed. Note that in the passive voice, the fa'il, which is al-jundiyu, has been omitted. And the maf'ul bihi has taken its place. And it has become marfu. It is now called na'ibul fa'ili. समझ आई? हाँ ठीक है। तो कतला के बजाय जो कुतिला हो गया, वो मरफू हो गया ना। जब हमें फाइल का प्रश्न नहीं होता उस टाइम हम फेल मजहूल इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, ये फेल मजहूल है कुतिला का। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमें ये पता है कि आपकी बच्ची ने गिलास तोड़ा, लेकिन ये नहीं पता कौन सी वाली बच्ची ने तोड़ा। ठीक है, तो अब उस टाइम हम कहेंगे कुत्ती लत, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी वाली बच्ची ने तोड़ा है। अगर आपको पता है फलानी वाली ने तोड़ा है तो आप कहेंगे कता लत, लेकिन जब आपको नहीं पता, ओ सॉरी, कसरत कहेंगे जब आपको पता होगा कि किस वाली ने तोड़ा है। जब नहीं पता तो उस टाइम आपको कहेंगे कुसी रत, कि उस गिलास को तोड़ा गया लेकिन हमें नहीं पता किस वाली ने तोड़ा है। So in English, we may, so यहाँ पे जो है नाइबुल फाइल जो है वो है जासूसु, वही है ना? जब हमें नहीं पता होगा कि किसने काम किया, किसने एक्शन किया, उस टाइम हम मफूल बिही को नाइबुल फाइल बना देते हैं। ठीक है, जब पता हो फेल का उस टाइम मफूल बिही होता है, जब नहीं पता होता फेल का उस टाइम इसको नायबुल फाइल बनाकर मरफू कर देते हैं। अब यहाँ पे जासूस के ऊपर फतह होनी चाहिए थी, लेकिन ये मरफू नायबुल फाइल है, फाइल का हमें पता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर दम्मा है। So the second construction by the soldier, for example, it is not possible in Arabic. Okay, acha kutil al jasusu, so the spy was killed by the soldier nahi ho sakta, lil jundi nahi ho sakta, मिनल जुंदी अगर हम कहेंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, हम क्योंकि हम नाइब हम फेल मजहूल इस्तेमाल कर दें। फेल मजहूल होता है इसलिए कि हमें फाइल का नहीं पता। अगर हम कह देंगे मिनल जुंदी तो इसका मतलब होगा कि हमें फाइल का पता है, फिर हमें फेल मजहूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली मफूल भी यूज़ करेंगे कतल जुंदी उल जासूसा। बिल्कुल, हम कभी ये यूज नहीं कर सकते द स्पाई वाज किल्ड बाय द सोल्जर, ये हम मफूल बिही के तौर पे यूज नहीं कर सकते ना, ये वर्ड को नहीं कर सकते, अरबी में नहीं कर सकते। द ओरिजिनल वर्ब अंडरगोस सर्टेन चेंजेस व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस। इन द माधी द फर्स्ट रेडिकल हैज अ दम्मा एंड द सेकंड हैज अ कसरा। इन द मुदारे फॉर एग्जांपल यहां पे कुतिला, so the first radical has a dhamma, second radical has a kasra. Okay, whereas in the mudare the letter of the mudare has dhamma and the second radical has fatha. For example,
in madi qatala, he killed is qutila, he was killed. Okay, if the second article originally has a kasra, so it remains as it is like a kasra. For example, shariba will become also, he drank will become shuriba, which is it was drunk. Same thing, samia will become sumia. So he heard, and then it will be, it was heard, or he was heard. Whereas in mudare, let's see, yaktulu is he kills. So he is killed would be yuktalu. So the second letter of the mudare has dhamma. So in the second radical of the fatha, okay. So ta, so tu becomes ta, and then the letter of the mudare a, ya. Okay, alif ta ya noon. Okay, that is what it is. Has dhamma. So it will be yuktalu ya fir, or uktalu, or tuktalu, or nuktalu. ठीक है. Okay. So if the second radical originally has fatha, for example, yaftahu. Right, so the second radical also has fatha, he opens. Then it becomes same thing. Yuftahu, yakrahu, yukrahu. Okay, yakrahu becomes yukrahu. Okay. So let's say if this second radical has a kasra, tab kya hoga? For example, yabki, nahi, ha, yabki. Yubki. Yubki. Achha. To jo wahan pe second radical fatha nahi ho sakta na? हो भी सकता है, लेकिन वो इतना इशू नहीं है उसमें. मेन चीज़ ये, अभी उस पर हम बाद में जाएंगे, अभी हम इस पर आ रहे हैं फिलहाल. उसको उस टाइम देख लेंगे, क्योंकि उसमें एक और चीज़ भी है, अली मकसूरा वाली, वो भी है, फिर बाद में देखेंगे. So you know that if waw is the first radical, then it is omitted in mudari, whereas it is restored in the passive voice. For example, Yajidu is he finds. Yujadu is it is found or Yujadu. It is found or he is found. Yalidu, he bears a child. It is Yuladu, he is born. So you know that the vowel is the first radical. It is omitted in mudari. जब हमने पढ़े थे ना कि अरफ इल्लत अलिफ वाओ या फेल मुजारे में हजफ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जब फेल मजहूल होगा तो ये जो लेटर है अलिफ वाओ या वाला, ये हजफ नहीं होगा, ये वापस आ जाएगा. जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, इसका माजी क्या है, वजदा. वजदा में वाओ है ना. अब जब इसको हमने मुजारे बनाया था तो वो डिलीट हो गया, क्योंकि वो कमज़ोर लेटर है, हरफ इल्लत है. या जी टू हो गया, वो डिलीट हो गया. लेकिन इसी का जब हम मजहूल बनाएंगे तो वो को डिलीट नहीं करेंगे. वो जी द यू जादू, ठीक है. okay. इसी तरह वाला द का मुजारे है यालिदू. अब इसका जो मजहूल है वोलीदा, उसका मजहूल में वो डिलीट नहीं होगा, वो होगा यू लदू. यानी कि मजहूल में यह डिलीट नहीं करते हम. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव वॉइस. خلق الانسان من طين. Man was created from clay. في اي عام ولدت. ولدت في اي عام ولدت. So in which year you were you born. يقتل ال يقتل ال يقتل الافن. يقتل
الآلافون. يقتل آلاف من الناس. So 1,000 people, 1,000 from the people were killed في الحروب, in wars. Thousands of people are killed in wars. Okay. Next. لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين. So, a mu'min, okay, a believer, la yuldahu, is not bitten, actually by a snake, okay, min hujrin, from this, from hujrin wahidin, from the same hole. Yeah, hujrin, yeah, johar, johar. Johar, okay, sorry. From min juhrin wahidin, marratain, twice. This is a hadith. So, which means I do not repeat the same mistake. لا يوجد هذا الكتاب في الكتاب في المكتب في المكتبات. This book is not found. هذا الكتاب, this book, لا يوجد, is not found, في المكتب, in the bookshops. Even इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, هذا الكتاب لا يوجد في المكتبات भी लिख सकते हैं ना. ठीक है, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है. लम यलिद वलम यूलद, ही नेदर बिगेट्स नॉर ही वाज बिगॉट नॉर वाज ही बिगॉटन. सो पहले का जो है लफ्ज है वो है मुदारे है और दूसरा माधी है. यहाँ पे यलिद जो है वो मालूम है और यहाँ पे मजहूल है. यहाँ पे हमें पता है कि वो उसका फाइल का पता है और यहाँ पे हमें फाइल का नहीं पता. अच्छा, ओके. तो लेकिन जो ये मुदारे है, ये है माजी है. ये है मुजारे, लेकिन लम की वजह से माजी का मतलब दे रहा है. हमने पढ़ा था ना, हाँ, हमने वो दो. अच्छा, मैं सोचा ही इसीलिए इन्होंने लिखा है इन इधर बिगॉट. ओके, हमने दो हर्फ पढ़े थे कि एक मुजारे को माजी में कन्वर्ट कर देता है और एक मुजारे का मतलब फ्यूचर के लिए मुख्तस कर देता है. कोई याद है कौन से दो? लम था एक तो, और जो दूसरा ठीक था, दूसरा था लन. लन, ठीक. लन मुस्तकबिल के लिए मतलब को मुख्तस कर देता है, फिक्स कर देता है, और जबकि लम मुजारे का मतलब माजी में कन्वर्ट कर देता है. इफ द नाइबल फाइल इज फेमिनिन, सो द वर्ब शुड आल्सो बी फेमिनिन. ओके, फॉर एग्जांपल, अम सुइलत Amina tu, what was Amina asked about? अगर इससे को आपने करना हो कि आमिना ने पूछा, फिर जुमले में क्या तब्दीली आएगी? Okay, what did Amina ask her? फिर इस अरबी क्या हो गई? हल बल्कि यूं, what आमिना asked about, सवाल ये आप हमने कर दिया, what आमिना asked about, आमिना ने किसके बारे में पूछा? अच्छा, अम्मा सईलत था, सआलत, सीन के ऊपर भी फता, हमजा के ऊपर भी फता, सआलत आमिना थी. फिर आमिना फाइल हो जाएगी, अभी वो नाइबल फाइल है और उस जुमले में फाइल बन जाएगी. ओके.
है, मैं ऊपर का जो हमारा जो वो लफ्ज है लम यलिद, वहाँ पे जो हम हमेशा महसूस कि नहीं इधर बिगेट्स, हम जो वो मुदारे की तरह इस्तेमाल करते थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तर्जमी वाले पे भी खैर होता है, डिपेंड वो कर देते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसका जो ग्रामर के लिहाज से इसका मतलब माजी बनता है। ओके ठीक ओके। सो तुकरऊ सूरतुल फातिहती फी कुल्ली रकात रकतिन रिसाइट ओके तुकरऊ सूर सूरतुल फातिहती ओके। सो सूरतुल फातिहा इज रेड इन एवरी रका ओके। अगर तकरऊ होता तो जो है ही इज रीडिंग, हाँ तक रहो, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग और यू, आई मीन एसेंशियल यू आर रीडिंग, हाँ यू आर रीडिंग भी होता है, ठीक है। तक रही ना होगा ना फिर फीमेल को, तक रही ना टेक्निकली, अगर सामने वाली फीमेल होती तक रही ना, अगर गायब वाली फीमेल होती तो तक रहो। सो इफ द मफूल बिही इज अ प्रोनाउन इट्स करस्पोंडिंग रफ फॉर्म इज यूज्ड एज एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल 7 इन द मेन बुक Exercise 7. For example, Katalahumul Mujrimuna. So the criminals killed them. Katalahumul Mujrimuna. Okay. Kutilu, they were killed. Saalanil Mudiru. So the headmaster asked me, Su'iltu. I was asked. Next. Wulittu Aama Sab'atin Wasittina Wa Tis'ima Atin. Alf is 1,000. What tis-i-miyatin is 900. Okay. What sittina sabatin. So, sittina is 60, 67. Okay. Yani ki age jo humne apni batani hoti hai, to hum chote number se shuru karte hain. Chote number kaun sa hai? 7 isme. So, sabat ki, phir 60, sittin, phir 900. फिर 1000, हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं अपनी एज। और यहाँ पे चूँकि लफ्ज़ आम है, साल लगा हुआ आम मुजाफ होता है, इसलिए ये सारे लफ्ज़ मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हैं, ठीक है। सबातीन यहाँ पे सितून होता है, यहाँ पे हमने सितीन कहा क्योंकि ये मजरूर है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तिसु मियातू होता है, यहाँ पे मियातिन है, वैसे अल्फू होता है, यहाँ पे अल्फिन है, इस वजह से। ठीक हो गया, ठीक है। अब आप कोई सवाल? नहीं नहीं अपनी एज बताएं इसी तरह कि मैं पैदा हुआ, वुलितु आमा, पहले इंग्लिश में मुझे अपनी एक उम्र बता दें क्या है। ओके ईयर ऑफ बर्थ है वुलितु आमा, इंग्लिश में एज बता दें जरा मुझे। 1980 हो गया आपका, समानीना वो समानी ना, नहीं सिर्फ अच्छा वुलितु आमा
अच्छा वुलिदतु आमा समानीना व अल्फिन नहीं 99 वतिस वतिस अमियतिन व अल्फिन ठीक है, वातिसीमियतन अल्फिन। ओके, ये मिसना है अभी या नहीं है? नहीं वो भी गई है भाई। आप उनकी तरफ से कर देंगे, ओके बोले तू या बोली दत्त भी कह सकते हैं, वो पैदा हुई। वुलिदत आमा क्या है यानी सो कि कैसे सबात सबातिन व व तिस ईना व तिस व तिस अमियतिन व अल्फिन यह आपने बताइए 1997, 87 नो 87, सिक्स 87 के 97, 86 नहीं 87 86 एक्चुअली 87। तो जो है तो ये होगा वुलिद वुलिदत आमा सबातिन, सित्ततिन क्या कहते हैं ओके सिक्स 87, 86 सित्ततिन हो गया फिर। व तिसईना नहीं नहीं सिक्स के बाद गलत हो गया, 63 के बाद। वो ये हो 80 है ना अच्छा वो समानीना ठीक है, समानीना व तिसईमियतिन व अल्फिन ठीक है, अल्फी मिला दें, सही हो गया। आगे लिल मिलादी का मतलब के मिलाद, हिजरी का जो अभी साल चल रहे हैं इसको हम क्रिश्चियन एरा कहें या फिर कहें, जो भी साल चले इसको, इसके लिए हम कहते हैं। जैसे हमारा साल होता है हिजरी, ईसाइयों का साल मीना। इंग्लिश में इसके लिए वैसे ज़्यादा लफ्ज़ होता है आफ्टर द डेथ ऑफ, लेकिन वो चलो हमारा किधर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये लफ्ज़ होता है, मीलाद का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ। ठीक है, So here the word ama is mansub because it is सबसे पढ़ लें वैसे तो बेहतर है सी ई। आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 1967 सी ई। सी ई स्टैंड फॉर क्रिश्चियन एरा। okay. C stands for Christian. We do not use AD as it stands for unknown domini in Latin, which means in the year of our Lord. ठीक है. बस, लेकिन इंग्लिश में वैसे आफ्टर द डेथ ऑफ इसको ज्यादा कहा जाता है। ठीक है, आगे अनो वही आफ्टर एडी का मतलब अनो डोमिनी तो ये ये इन्होंने लैटिन वाला लिखा है, लेकिन जो हमने पढ़ा था ना किताब में, यानी कि अपनी जो इंग्लिश की किताब में पढ़ा था स्कूल में, वो उन्होंने हमें ये बताया था कि एडी का मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ। मुझे तो अच्छा हमने कभी नहीं पढ़ा हमने अनो डोमिनी पढ़ा था बचपन से आपने एनो डोमिनी पढ़ा स्कूल में, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी ये भी शायद इसको यूं कहते होंगे ना कि हमारे हजरत ईसा अलैहि इस्लाम का साल, शायद ऐसा कुछ कहते होंगे। एक मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम था अनो डोमिनी तक हमें मालूम था उसका जो अच्छा उसके ठीक टीटर ये इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड पैक मैंने अभी सुना पहली बार हो गया, नेक्स्ट सो हियर द वर्ड आमा इज मंसूब बिकॉज इट इज मफूलन फीही दैट इज इट इज अ नाउन डिनोटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन एट वर्क It does not have the tanween because it is mudaf. Here are some more examples. Sa'adrusu lughatal firansiyata. Sa'adrusu lughatal firansiyata al-ama. Ama al-qadima. Insha'Allah. Sa'adrusu I'll study al-lughatal firansiya. French language. Al-ama al-qadima. Next year, okay, inshallah, if Allah SWT will, it's okay. Kuntu fi makkata yawmal jumuati. I was in Makkah last yawm, okay, on Friday. Aina tadhabuna hadha al-masa'a. Where are you going this evening?
certain proper names have al, like az-Zubayru, al-Husaynu, al-Hasanu. When the particle ya is used, the al is dropped. For example, ya Hasanu, not written ya al-Hasan. Okay. Hindiyu means Indian. This is formed from al-Hindu by adding ya, iyun. Okay. At the end. Iyun at the end. Okay. This process is called nasab, an-nasabu. And the noun after the addition of this iyun is called mansub. Note that certain nouns have irregular mansub forms. For example, akhawiyun, brotherly. It comes from akhun. Abawiyun comes from abun. Nabawiyun comes from nabiyun. Irregular irregular ये above regular आख simple जो लव्ज़ है अब उन वो उसको हम regular कहते हैं उसका जो regular form बनेगी अभी my father oh अच्छा okay उखरु is the plural of उखरा. It is mamnu min as-sarf, it is dipped out. The plural of the plural of the masculine ukhru aw akharu is akharuna. Here are some examples. Ukhra ka matlab kya hai? Other. Other. Okay, masculine akhar so other. Okay, so Ghabal Yawma Bilalun Talibun Akharu. Bilal and another student were absent today. Ghabal Yawma. So Bilalun Wattullabun Akharuna Ghabal Yawma. Or Ghabal Yawma Bilalun Wattullabun Akharuna. Bilal and other students. Because it's Akharuna. Okay. Ghabat Zainabu Wattalibatun Ukhra. Zainab and other female students were absent. غابت زينب وطالبات اخر okay whereas if it's a male plural then it's اخرون whereas if it's a female plural it is اخر okay. In the Quran فمن كان منكم مريضا او على سفر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ So, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ So, but whoever of you is sick أَوْ عَلَى سَفَرٍ or is on a journey فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ So, you should have the same number of past the same number of days that's what it means, okay, number of days, other days As ayam is an irrational noun, the singular ukhra can also be used with it. So, okay. So, for example, al-fanadiqu ghaliyatun hadhihi al-ayyama. The hotels are expensive these days. Walakinnaha rakhisatun fi ayyamin ukhra. But they are cheap on other days. समझ आ गई इस पॉइंट की? हाँ हाँ. गैर आकिला इसलिए हम खरू भी कह सकते हैं. अच्छा फनादिक जो है ये मैस्कुलिन है? फनादिक का जिक्र ही नहीं है. अयाम की सारा तालों की अयाम से. अयाम क्या है? गैर आकिल जमा है. कौन सी जमा है? गैर आकिल जमा. गैर आकिल के लिए आपने पढ़ा था कि हम सिंगुलर फेमिनिन इस्तेमाल करते हैं तो अब उस लिहाज से हम यहाँ पे उखरा इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी ये यौम जो होता है वो उसके लिए हम फेमिनिन लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस लिहाज से भी उखरू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ठीक है
next. Salli, he offered salah. Salla. Salla. Salli is I offered salah. Okay. Yes. So the mudari is yusalla. Yusalli. Okay, the mudari is yusalli. He's offering salah. Okay. Next, and the amr is salli. The expression salla bina means he led us in salah. That is, he was our imam. So salla bina means lead us in salah as the imam. Salli bina, okay, so it's an amr. Salli bina is lead us in salah as the imam. Next. Imma wa imma means either or. For example, al ismu imma mudhakkarun wa imma mu'annathun. A noun is either masculine or feminine. Imma tazur, imma tazuruni wa imma azuruku. Zuruka. Okay. So either you visit me or I visit you. Right. For the irab of irab of thalathumiyatin. Thalathumiyatin is 600, huh? Or 300. Okay. Through this umiyatin. This is 900. Okay. See the key to book 2. Okay. Al Yahudu is the generic plural noun. Ismul Jinsil Jam'i. Ismul Jinsil Jam'i. Okay. ये generic plural noun को अरबी में ismul jinsil jam'i कहते हैं. Generic pronouns are of two kinds. One, those which make their singular with iyun. For example, Arabun will become Arabiyun. So, okay, an Arab. Turkun will become Turkiyun. Englishun will become Englishiyun. Englishun will become Englishiyun. Englishman. Note that the iyun is not the ya of nasab. In of which you just learnt in the number 4. जिसमें हमने पढ़ा था हिंदी यून पढ़ा था. ये अलग है यार. ये अलग है तो सा. ये किस्म का category show करता है. Okay, that's one. The Al-Yahud generic plural noun. And then the second one is those with which make her singular with tamarbut. For example, tufahun. Is apples, whereas their singular is tufahatun. Okay. And then shajarun, shajaratun. Next is samakun, samakatun. Samak ka female male fish bhi hoti hai koi. Samakun usko bhi samakun hi kehte hain. Abhi me iske liye sab male female चक्कर में इस्तेमाल नहीं होता अभी में. अब वैसे जो पूरी कैटेगरी है उसके लिए हम समकुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमने कहना कि मैंने एक मछली खाई, वन शुरू करने के लिए समकतुन कहते हैं. अच्छा, to understand the use of the singular and plural, consider the following examples. Okay, if the doctor asks you what fruit you like, you say uhibbul mauza, I like bananas. And if you ask how many did you eat after lunch, you say akula mauzatun. I eat mauzatan. So I eat one banana. Samajh aa gayi? Numbering ke liye ye la istemal karte hain, category ke liye mauza istemal karte hain. Okay. Ye system baaki sab ke liye tufa, samak, shajara. So agar farz karega 8 10 10 bananas akula ashara mauzatin na bil fir uske liye hum mauzin bhi istemal kar sakte hain kyunki wo jama ki category mein aa jata hai.
Okay, in the same way you say أحب العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي. I love the Arabs because the Prophet صلى الله عليه وسلم was an Arab. Note that the dual is formed from the singular form. For example, Arabiya, Arabiyani, two Arabs, not Arabani. Mauzatani, and it's not Mauzani. Okay. साइज आ गया आगे. समझ नहीं आ रहा ना. हाँ, वो आज अभी आ रही सुना. क्या लेते हैं? ठीक है, क्या है? सॉरी, इसको फिर नेक्स्ट टाइम में शुरू करते हैं. वो भी आ जाए. सवाल है तो पूछ ली. नहीं, चल. Thank you.